भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी राजनीतिक द्वेष मुद्दा बनाकर राष्ट्रहित से खिलवाड़ कर रही है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रखा है? हमारे सैनिकों की शहादत कहां और क्यों हुई, क्या इसका प्रधानमंत्री जवाब देंगे? और कैसे प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्नल बी संतोष और 19 सैनिकों की शहादत वो व्यर्थ न जाए? उन्होंने जो भारत माँ की रक्षा के लिए शहादत दी है वो शहादत देश के काम आए। सभी सुरक्षा विशेषज्ञों, पूर्व आर्मी चीफ, आर्मी जर्नल्स और सैटेलाइट इमेजरी से साफ है, हमारी सरजमी से चीनी कब्जा खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाएंगे ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भाजपा को देश को बताना चाहिए, बजाय देश को भटकाने के। आदरणीय मित्रों, प्रधानमंत्री जी की बात की, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता लिए हर देशवासी को हक्का बक्का और आश्चर्यचकित कर दिया। एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और हमारी सेना के प्रमुख के बयान से बिल्कुल विपरीत है। अगर प्रधानमंत्री जी की कही गई बात सही है तो हम कुछ प्रमुख सवाल सरकार से पूछना चाहेंगे। अगर चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की थी या नहीं की है, तो 5 और 6 मई 2020 का चीनी और भारतीय सेना के बीच में फेस ऑफ का के क्या मायने हैं? 5 मई और 6 जून के बीच में वो क्या मुद्दे थे जिन पर हमारे भारतीय सेना के कमांडर और उनके काउंटर पार्ट चीनी सेना के कमांडर वार्तालाप कर रहे थे? इस आपसी चर्चा का, दोनों सेनाओं के बीच आपसी चर्चा का विषय ही क्या था अगर चीनी सेना ने भारतीय भूभागीय अखंडता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कब्जा नहीं कर रखा था? हम ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई चीनी सेना ने भारतीय सीमा में कब्जा नहीं कर रखा था तो 15 और 16 जून के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ जिसमें हमारे सैनिकों की शहादत हुई वो तो कहां पर हुआ? क्या ये सही नहीं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और लगभग 85 सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं? ये भारत माँ के सपूत हैं, उम्मीद है कि भारत सरकार को इसका ख्याल होगा। अगर चीनी सेना ने भारतीय टेरिटरी के अंदर कब्जा नहीं किया तो फिर देश के विदेश मंत्री ने साफ तौर से बयान देकर चीनी सेना को पूर्णतः पुरानी यथास्थिति बनाए रखने की मांग क्यों रखी थी? विदेश मंत्री के द्वारा स्टेटस को एंटे या संघर्ष से पहले की यथास्थिति बनाए रखने की मांग के क्या मायने हैं? जब भारत सरकार ने ये कहा कि भारतीय और चीनी सेना की डिसएंगेजमेंट की कार्यवाही चल रही है, यानी चीनी सेना अपनी पुरानी स्थिति पर लौट जाएगी, तो इसके और क्या मायने पढ़े जाएं कि चीन हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं कराया है? कल भी प्रधानमंत्री जी के बयान के बावजूद चीन ने भारत पर गलत तरीके से इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि गालवान घाटी का पूरा क्षेत्र चीन का है, जो सही नहीं। भारत सरकार का चीन के इस क्लेम के बारे में क्या सटीक जवाब है? क्या भारत सरकार को आगे बढ़ इस चीनी सरकार के इस क्लेम को
सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था दो दिन पहले कि हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके क्या मायने प्रधानमंत्री जी के दिमाग में हैं? हमारे सैनिकों की शहादत कहां और क्यों हुई, क्या इसका प्रधानमंत्री जवाब देंगे? और कैसे प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्नल बी संतोष और 19 सैनिकों की शहादत वो व्यर्थ न जाए? उन्होंने जो भारत माँ की रक्षा के लिए शहादत दी है वो शहादत देश के काम आए। हम ये सवाल पूछते एक बार फिर दोहराते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारतीय भूभागीय अखंडता के लिए उठाए गए हर कदम के साथ है। हम हमारी सेना के साथ अटूट तरीके से खड़े हैं। देश की रक्षा और हमारी भूभागीय अखंडता की सुरक्षा हर भारतीय के दिल में सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए राष्ट्रहित में हम ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि देश एक संयुक्त और एकजुटता का परिचय दे सके। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी राजनीतिक द्वेष मुद्दा बनाकर राष्ट्रहित से खिलवाड़ कर रही है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रखा है? जैसा कि समेत आपके चैनल के सभी सुरक्षा विशेषज्ञों, पूर्व आर्मी चीफ, आर्मी जर्नल्स और सैटेलाइट इमेजरी से साफ है, हमारी सरजमी से चीनी कब्जा खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाएंगे ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भाजपा को देश को बताना चाहिए, बजाय देश को भटकाने के। बात इसलिए बड़ी सीधी है, आज की परिस्थिति में एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई हर क्षण देती है, क्या उनकी नाक के नीचे चीनियों ने हमारी सरजमी पर कब्जा कर लिया है और वो कब्जा कैसे छूटेगा? हम ये अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस बात का साफ साफ जवाब दे बजाय मुद्दों को भटकाने के। धन्यवाद। हम एक शॉर्ट फिल्म कुछ सेकंड की आपको दिखाना चाहेंगे, फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। श्री रोहन गुप्ता जी कृपया उसे शुरू करें। जी सर। What PM said in the all party meeting? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। PM Modi mentioned three things, but PMO office mentioned only two in the official statement. No one has entered our territory. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Why is PMO contradicting PM Modi's statement? Pradhan Mantri Ji dwara diya gaya bayan, jis prakar se videsh mantri, desh ke raksha mantri और देश के सेना चीफ आर्मी चीफ उन तीनों के बयान के विपरीत है, जिस प्रकार से विदेश मंत्री ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करने के बाद लिखित तौर से विदेश मंत्रालय का बयान था कि गलवान घाटी पर चीन जबरन स्ट्रक्चर्स इरेक्ट कर रहा है और हम स्टेटस को एंटे की मांग करते हैं, जिस प्रकार से आर्मी चीफ ने कहा कि डी एस्केलेशन की एक्सरसाइज यानी चीनी सेना के वापस जाने की एक्सरसाइज इस समय शुरू है, प्रधानमंत्री का बयान बिल्कुल इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि गलवान वैली पर सदैव भारत का सरजमी का हिस्सा रहा है और कभी चीन ने भी गलवान वैली पर अपना हक नहीं जताया। ऐसे में जब चीन ने गलवान वैली पर कब्जा कर रखा है और आज वो गलवान वैली के क्षेत्र को
जबरन हड़पना चाहते हैं और हमारे सैनिक उस गलवान वैली के क्षेत्र की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे, तो क्या उनकी शहादत को कहीं ना कहीं भारत सरकार धूमिल कर रही है और भारत की सरजमी पर जो हमारा क्लेम है क्या भारत सरकार उसे कमजोर कर रही है प्रधानमंत्री के बयान से? सवाल ये उठता है। अगर ये सच है तो ये भारत की भूभागीय अखंडता के लिए अत्यंत खतरनाक है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार आज ही इस बारे में अपना स्पष्टीकरण देंगे। और आपके दूसरे सवाल का सीधा जवाब ये है, राहुल गांधी जी ने जो मौके पर परिस्थिति हुई जब हमारे निहत्थे सैनिक भेज दिए गए दिल्ली की हुक्मरानों की गलती की वजह से, और दूसरी तरफ घात लगाकर चीनी सेना की ये दुस्साहस हुआ कि उन्होंने उन पर हमला किया और हमारे 20 सैनिक समेत हमारे कमांडिंग ऑफिसर के शहीद हो गए, तो ऐसे में इस पूरी व्यथा को सामने लाना विपक्ष के तौर पर और एक भारतीय के तौर पर हम अपना कर्तव्य मानते हैं। हमारी भावनाएं हर शहीद परिवार से जुड़ी हैं और उन शहीद परिवारों की व्यथा और देश की व्यथा को सामने देश के रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।